हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन विजार्ड में। आज हम क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो रियल नंबर है उसका थर्ड वीडियो है ये, और इसमें आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। उसके बारे में थोड़ा सा हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा हमने, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो प्रीवियस वीडियो पे जाकर हमारे उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ईडीएल पढ़ाया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यूक्लिड डिवीजन लेमा के साथ साथ मैंने कुछ एचसीएफ और एलसीएम निकालने के तरीके भी बताए थे। आज उन्हीं का यूटिलाइज कर हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करना है, है ना, और कुछ क्वेश्चंस करना है। तो आज करते हैं जरा। अब पहले बात, फिर से मैं एक बात बता दूं बच्चों को, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम चाहे किसी भी मीडियम के बच्चे हैं, ये वीडियो मैं पढ़ते समय अपना एनसीईआरटी बुक ओपन रखेंगे, और जो क्वेश्चंस मैं बोलूंगा उस क्वेश्चंस को आपको वहां से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने पूरा नहीं लिखा है, बस हिंट के लिए मैंने लिख रखा है। हाँ, क्वेश्चंस मैं पूरा बताऊंगा कि क्या है और कैसे हमें करना है पूरा। तो आप अपना एनसीईआरटी बुक ओपन करके रखेंगे, और जैसे जो क्वेश्चंस बोलूंगा वो क्वेश्चंस आपको देखना है, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन हमारे बोर्ड पे देखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में बोला है क्या कि हमें ना प्राइम फैक्टर के फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है किसको, हमें कुछ टर्म्स दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस आप ना छोटी क्लास से करते हुए आ रहे हो, क्लास फिफ्थ में भी पढ़े हो, सिक्स में भी पढ़े हो, सेवन में भी पढ़े हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है क्या कि एक्सप्रेस एज एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर बोला है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत आसान है, जैसे हमें किसका पूछा है, इसने 140 का, तो आप क्या करेंगे, 140 का फैक्टर करेंगे, 140 का फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 270, 235, 5771, यह आएगा फैक्टराइजेशन, 270, 235, 5771। तो 140 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 × 2 × 5 × 7, और आपको और एक तरीके से आप इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, 140 इक्वल टू 2, पावर कितना है, 2 जो है दो बार है, तो 2 की पावर 2.5.7, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने एक्सप्रेस किया इसको। ऐसे ही इसके दूसरा पार्ट देख लेते हैं, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, 156। तो 156 क्या है हमारे पास, 156 का फैक्टर ले लीजिए, क्या जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, और क्या जाएगा हमारे पास, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, और फिर यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, 3, 3 × 1 = 3, 3, और फिर 13 × 1 = 13। आई थिंक ये सबको फैक्टर आता ही, बहुत आसान है। क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करोगे 78 आ जाएगा, फिर 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 × 3 = 6, और 2 × 9 = 18, फिर 3 × 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम अगला टर्म ले लेंगे 3, 3 × 13, 13 × 1 = 13। तो 156 का क्या जाएगा, 2 × 2 × 2 × 13, ये हमारा आया इसका फैक्टर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 156 = 2, 3 टाइम है ना, सॉरी 2 × 2 × 3, तो 2 टाइम है, 2 की पावर 2.3.13, दिस विल बी योर व्हाट, प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन नंबर। कोई भी हमें नंबर दिया था 156, 144, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी ना इसमें क्वेश्चन दे देता है ऐसे, आपको दे देगा यहाँ पे, मान लीजिए आपको दे देगा यहाँ पे 120, और ये हर बार पेपर में आता है, फर्स्ट में दे देगा, या फिर प्री बोर्ड में दे देगा, या फिर कभी बोर्ड में दे देता है, ये आपको यहाँ पे दे देगा एक्स, यहाँ पे दे देगा 60, और यहाँ पे दे देगा आपको वाई, यहाँ पे दे देगा आपको 30, या फिर दे देगा यहाँ पे आपको 30, या फिर 15 ले लीजिए, और फिर ये आपको ऐसा फैक्टर बना देगा, यहाँ पे दे देगा जेड, और यहाँ पे आपको दे देगा क्या 5। अब बोलेगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो इसका करने का बड़ा आसान तरीका होता है, या तो आप 120 का फैक्टर ले लीजिए, या फिर इसका डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि आप इन टर्म को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाएगा, 3 से, तो हमारी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब 3 × 5 = 15 हो गया, अब 15 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 60 आ जाएगा, 4 से, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, है ना, और फिर 60 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 120 आ जाएगा, 2 से, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2। कभी कभी यही वैल्यू ऐड कर देता है,
और यहाँ पे दे देगा, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, वो मिल जाएगा। तो ये आसान तरीका है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ देता, पूछता ही है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको छोड़ना नहीं है, इसमें या तो आप फैक्टराइजेशन करके वैल्यू पुट आउट कर दीजिए, या तो देखिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाएगा। बेसिकली ये सब चीज गायब करके रखता है, अगर मान लीजिए 60 गायब कर देता तो यहाँ पे आपको क्या देता, 15 और 4, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 से 60, यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। तो आपका जो है फैक्टर ट्री, जो आप पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लास से, फैक्टर ट्री बोलते हैं, बेसिकली फैक्टर ट्री बना देगा और उसमें कुछ वैल्यूज गायब कर देगा, और उस वैल्यू की जगह वेरिएबल डाल देगा, एक्स वाई जेड ए बी सी कोई सा भी वेरिएबल डाल देगा, और बोलेगा कि उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड दैट वैल्यूज, उस वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे एक्स है चाहे वाई है चाहे जेड है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके दो पार्ट और है आपके एनसीईआरटी में, तो होमवर्क में आपको वो दो क्वेश्चन करना है और करके मेरे को आंसर बताने की, उसका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में आपको उसका आंसर बताना है। तो दो क्वेश्चन वो है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है क्या कि आप उसका क्या करिए, एचसीएफ फाइंड आउट करिए और एलसीएम फाइंड आउट करिए, और दोनों को वेरीफाई करिए कि क्या वो सही है या गलत है। अब आप कंफ्यूज होंगे वेरीफाई क्या है, कैसे करना है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, एलसीएम फाइंड आउट करना यूजिंग एचसीएफ, तो उसका एक फॉर्मूला था, वो हमारा फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाई एचसीएफ। तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो बेसिकली वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और दोनों का प्रोडक्ट करके देखेंगे क्या वो दोनों सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी प्रूफ करने का तरीका क्या है कि इस एचसीएफ पर इधर भेज दे हम एलसीएम इंटू में एच सी एफ, तो ये बराबर में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हिंदी में क्या लिखोगे, दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम गुणे में एच सी एफ। तो इसको यूज करके हम क्या करेंगे, वेरीफाई करना सीखेंगे। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर टू हमें दिया है क्या, 26 और 91, क्या दिया है, 26 एंड 91, बुक सामने होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन मैं बोलता हूं आपको क्वेश्चन रीड आउट कर लेना कि क्वेश्चन में बोला क्या है। तो क्वेश्चन नंबर टू में आप अभी तक पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से, तो हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और उसको वेरीफाई करना है, चेक करना है कि क्या दोनों सही है या गलत है। तो पहले तो एचसीएफ निकालते हैं, आपको एचसीएफ निकालना सिखाया था। एक तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड होता है, जिस क्वेश्चन में बोला नहीं है तो उसको करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल मेथड यूज करेंगे। सिंपल मेथड क्या होता है हमारा, फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे करते हैं, हम फैक्टर निकालते हैं यानी कि गुणनखंड निकालते हैं। किसका निकालेंगे, सबसे पहले 26 का, तो 26 का फैक्टर क्या आएगा, 2, 13, 13, 1। तो 26 का फैक्टर क्या है, 2 × 13, है ना। अब वैसे हम 91 का फैक्टर निकालेंगे, तो 91 का क्या जाएगा, 91 7 से जाएगा 13 और फिर क्या जाएगा, 13 1 क्या जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो 91 है इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 7 × 13, और एचसीएफ हमारा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 13। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 13। ये हमने निकाल लिया एचसीएफ। एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम या तो ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लीजिए, लेकिन लेकिन हमें तो इस फॉर्मूले का यूज करके वेरिफिकेशन करना है। तो एलसीएम का हमारा जो सिंपल मेथड है, जो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, वही मेथड से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, यहां पे 26 और 91 है ना, ये हमारा तरीका होता है, सबसे लोएस्ट वैल्यू लो 2, 13 और ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो 91 आ जाएगा, फिर यहां पे आएगा 13 1 या फिर 7 ले लीजिए, तो 7 के टेबल में 13 ही आएगा, या जाएगा 7, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 13, फिर 13 ले लीजिए क्या जाएगा 1 और 1। अब एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 7 × 13, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 14 × 7 = 14 × 13, तो ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करिए 182। तो हमारा जो एलसीएम है वो हमारा क्या आ गया 182। तो हमने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम निकाला हमारा, एलसीएम कितना है 182। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये सही है या गलत है। तो देखो चेक कैसे करते हैं,
चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। चेक कैसे करना है आपको, चेक करने के लिए ये फॉर्म है हमारे पास, है ना। तो मैं लिख रहा हूं क्या, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कैसे करोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम, एलसीएम कितना है हमारा 182 और एचसीएफ हमारे पास कितना है 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अगर आप लो तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आप हम अगर देखें तो दो नंबर हमारे पास क्या है, 26 और एक हमारा क्या है 91 है, एक हमारा 26 है और एक हमारा क्या है 91, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलसीएम इनटू एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है हमारे पास 13 लिख दिया, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर क्या है 26 और 91, तो 26 इनटू 91, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा हमारा कितना 2366, और इसको भी मल्टीप्लाई करें अगर हम तो ये भी कितना जाएगा हमारा 2366। एक बार फिर से देखो इधर वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन के वन ए, हमारा जो फॉर्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ, तो एलसीएम हमारा क्या है 26, एचसीएफ क्या है 91, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने क्या है 2366, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 26 इनटू 91, तो 26 इनटू 91 दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या रहेगा 2366। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे एलएचएस जो है वो बराबर है किसके, आरएचएस के, यानी बराबर है मतलब हमने क्या कर दिया, क्वेश्चंस को वेरीफाई कर दिया। तो क्या लिख दोगे यहां पे आप, वेरीफाइड। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए फैक्टर करेंगे, जो कॉमन होगा एलसीएम हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम इस मेथड से निकालेंगे, और एलसीएम आने के बाद चेक करने के तरीके के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे यूटिलाइज कर हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है इसका पार्ट टू है, तो पार्ट टू आप खुद करिएगा, है ना, पार्ट थ्री भी है आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना। अब हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फिर से निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर टू और थ्री में क्या फर्क है, कि क्वेश्चन नंबर टू में केवल दो नंबर दिए हुए, क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें तीन नंबर दिए हुए, तो आप ये वाला मेथड से आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसको भी फाइंड आउट करने का सिंपल मेथड ही है हमारे पास, जो हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं उसी मेथड से हम इसको भी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, बुक में देखिए क्या लिखा हुआ फटाफट, और उसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेसिकली क्या है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एक बार फिर से मैं बता दूं, मैं पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, एक एक पार्ट करवा रहा हूं, दो दो पार्ट करवा रहा हूं, बाकी आपको खुद करना है, खुद करके मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका आंसर बताना है, या फिर आप अपने बुक के पीछे आंसर उसको चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया, सेकंड में फर्स्ट पार्ट करा हूं, सेकंड थर्ड पार्ट आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम और एचसीएफ, और हमें क्या दिया हुआ है 12, 15 और 21, क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना, हमें क्या दिया 12, 15 एंड 21, ये तीन चीज हमें दिया हुआ है, और इन तीनों को हमें क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। आसान है, जो हमारा दो नंबर्स के लिए करते थे, टू नंबर्स के लिए करते थे, वैसे हम तीन के लिए करेंगे। तो हम सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर, फैक्टर हिंदी में क्या बोलेंगे गुणन खंड, किसका फैक्टर निकालोगे सबका। तो 12 का फैक्टर क्या होगा करते हैं 2, 6, 2, 3, 3, 1, तो 12 का फैक्टर हमारा क्या आया 2 into 2 into 3। इसी की तरह हम क्या करेंगे 15 का फैक्टर निकालेंगे, 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3, 5 जा 15, 5 बच जा 5, है ना, हो गया 3, 5 जा 15, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 15 का फैक्टर क्या जाएगा 3 into 5। ऐसे हम क्या करेंगे 21 का करेंगे, तो 21 का क्या जाएगा 3, 7 जा 21, 7, 1 जा 7, तो 21 का फैक्टर क्या है हमारे पास 3 into 7। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा, एक ही दिख रहा है हमें कॉमन, वो क्या है हमारा 3 कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालना अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, वैसे हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, कैसे 12, 15, 21,
सबसे छोटा नंबर 2, 2 6 है 12, 15 नहीं आता तो वैसे की वैसे, 21 नहीं आता तो वैसे की वैसे, फिर 2 3 है 6, 15 नहीं आता तो वैसे लिख दो, 21 नहीं आता वैसे लिख दो, फिर 2 के टेबल में कोई भी नहीं आता, 3 के टेबल में आता तो 3 ले लेते हैं, 3 1 है 3, 3 5 है 15, 3 7 है 21, अब 3 के भी टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है तो 5 1 है 5, 7 नहीं आता तो 7, अब 7 के टेबल में 1 1 यहां पे क्या जाएगा 1, तो हमारा एलसीएम है, एलसीएम क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 3 5 7, तो हमारा एलसीएम 2 2 है 4, 4 3 है 12, 12 5 है व्हाट, 12 5 है 60 और 7 67 है 420, 420 कौन है, 420 कोई नहीं है, सब अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, तो 420, 420 इसका क्या जाएगा एलसीएम, तो हमने क्या किया इसका एलसीएम भी फाइंड आउट कर लिया और एचसीएम भी बड़े प्यार से फाइंड आउट कर लिया हमने, ठीक है, तो अब इसके एक पार्ट मैंने करा दिया, बाकी सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद कर लेंगे, है ना, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, जितना इंपॉर्टेंट डालना है डाल लीजिएगा, और इसी के जैसे एग्जांपल में भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा, एक चीज और, इस चैप्टर में एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, एग्जांपल्स भी आपको साथ साथ करते जाना है, तो 1.2 से पहले जितने भी एक्सरसाइज है वो सब आपको करना है, उसमें भी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अब क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, जो हम फॉर्मूला भी पहले पढ़े थे, HCF into LCM is equal to product of two number, है ना, HCF गुणे में LCM बराबर में दो संख्याओं का गुणनफल, वही फॉर्मूला यूज होगा क्वेश्चन नंबर 4 को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, देखिए कैसे, ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, उनको मैं अलग वीडियो में, वर्ड प्रॉब्लम्स जितने भी हैं उनको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और सभी एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गिवन दैट, आपको दिया हुआ है, फटाफट एनसीईआरटी बुक से पढ़ लीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ लीजिए, बोला गिवन दैट एचसीएफ, एचसीएफ यानी आपको गिवन है, आपको HCF दो नंबर्स का, दो नंबर क्या है 306 और क्या हमारे पास 657, ये हमें दिया हुआ है, ये हमारा कितना है 9, ये हमारा बच्चों कितना है 9, ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला LCM फाइंड आउट करिए, किसका, इन्हीं दो नंबर का, तो दो तरीका है, एक तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए जो भी किया था, या फिर सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है कि अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि जो एलसीएम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ, हमें सब कुछ दिया है, दो नंबर भी पता है, सीधा एलसीएम निकल जाएगा, तो एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर क्या है 306 मल्टीप्लाई बाय 657 और क्वेश्चन में एचसीएफ कितना दिया है 9, है ना, अब इसको हम काटपिट करते हैं, कट जाएगा ये, कितने बार में जाएगा 9327 और 9436, तो LCM कितना जाएगा 34 × 657 और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22338, टैली कर लीजिएगा ये आंसर आएगा इसका, तो LCM हमारे पास क्या आ गया 22338, आसान था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक एग्जांपल में है तो आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में या तो पेपर में आपको एक ही पार्ट दे देगा प्रूफ करने के लिए या फिर दोनों एक साथ दे देगा, एक ही पार्ट देगा तो 2 मार्क्स में देगा और दोनों पार्ट देगा तो 3 मार्क्स में देगा आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और बोला क्या है क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन व्हाई, ये जो नंबर दिया हुआ है आर कंपोजिट्स, कंपोजिट फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है, जिन्हें नहीं पता प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर इवन और नेचुरल मेरी फर्स्ट वीडियो जाकर देखिए, उसमें सारा कुछ बता रखा है ना, वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, फर्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वहां पे, वहां से आप देख सकते हैं, है ना, तो क्वेश्चन में बोला एक्सप्लेन व्हाई दीज आर कंपोजिट, यानी कि हमें बताना कि ये भाज्य क्यों है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, कंपोजिट वो होते हैं जो किसी न किसी के टेबल में आते हैं, किसी से भी डिवाइड हो जाते हैं, और प्राइम वो होते हैं जो केवल खुद के टेबल में आते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होते हैं, हिंदी में बोलते हैं भाज्य और अभाज्य, तो ये हमें बता रहे हैं कि बताइए क्यों ये भाज्य है, तो भाज्य का मतलब क्या है, कंपोजिट कब कहेंगे, अगर ये किसी ना किसी से डिवाइड हो जाते हैं, किसी ना किसी से डिवाइड हो जाते हैं
और ये भी किसी न किसी से डिवाइड अगर हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि कंपोजिट है। तो वही चीज हमें बताना है, अलग अलग टीचर अपने अपने मेथड से कराते हैं, मैं अपने मेथड से कराऊंगा, हो सकता है वही मेथड हो जो आपके स्कूल में टीचर्स कराए, है ना। तो देखते हैं हम इसको प्रूफ करते हैं कि क्यों ये कंपोजिट है, एक एक करके करेंगे हम, है ना। इसको मैं रफ करता हूं, मैं दो नंबर दिया है हमारे पास, है ना, एक एक करके करते हैं दोनों को, मैं एक नंबर करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्या दिया है हमें यहां पे, अगर देखें तो 7 × 11 × 13 + 30 ये दिया हुआ है, और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है यहां पे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 7 sorry 5, ये चीज हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस सेक्शन में देखो, यहां पे अगर मैं करूं तो 13 यहां पे भी है, 13 यहां पे भी है, तो मैंने 13 को कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचा 7 × 11 + 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 क्यों आया क्योंकि 13 मैंने कॉमन ले लिया, तो 13 ये क्या हो जाएगा 77 + 1, क्योंकि 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेगा 77, ऐसे मत करिएगा 11 + 12 = 7, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा 13 × 77 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या जाएगा 78, और इसको गुणा कर दोगे तो कितना जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1014। अब यहां पे मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जो 1014 है क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 13 × 78, आप ये कह सकते हो, या फिर ये भी कह सकते हैं आपकी 1014 जो है 13 से भी डिवाइड हो सकता है और 78 से भी डिवाइड हो सकता है। अब जो 13 और 78 से डिवाइड हो सकता है, तो मैंने क्या बोला कि कोई भी नंबर जो किसी ना किसी से डिवाइड अगर हो रहा होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कंपोजिट। तो ये हमें बता रहा है क्या कि कंपोजिट है, तो आप लिखेंगे क्या कि 1014 है ना इज डिविजिबल बाई व्हाट 13 और 78, यानी कि 1014 जो है क्या है 13 और 78 से विभाज्य है, विभाज्य है मतलब डिवाइड हो जा रहा है, तो विभाज्य मतलब क्या लिखोगे, सो हमारा क्या हो जाएगा 7 × 11 × 13 + 13 इज कंपोजिट, है ना। तो क्या हो जाएगा 7 × 11 × 13 + 13 क्या हो जाएगा एक भाज्य, भाज्य मतलब किसी न किसी से डिवाइड हो जाएगा। तो पार्ट वन मैंने कर दिया, पार्ट टू आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे करेंगे आप, फिफ्थ इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, आप क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, देखिए कैसे मैं आपको करा के दिखाता हूं, 5 आप इसमें कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है ये मैंने यहां से 5 कॉमन ले लिया, हमें दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 कॉमन ले लीजिएगा तो यहां क्या बचेगा 7 × 6 × 5 मैंने बाहर ले लिया है, तो 4 × 3 × 2 × 1 + 5 लेकर क्या जाएगा 1। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा हमारे 1008 प्लस 1, तो 5 × 1 = 0 क्या हो जाएगा 9, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ये आ जाएगा हमारे पास 5। एक बार फिर से देखिए 5 हमने कॉमन ले लिया तो 1008 प्लस 1 आ गया, अब 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5045 आ जाएगा। अब 5045 का मतलब क्या है, ये कि ये जो है टर्म या तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा या तो 1009 से डिवाइड हो जाएगा, तो अब ये भी दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है ये भी कंपोजिट है, तो लिखोगे क्या 5045 is divisible by what 5 and 1009, है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे 5045 जो है वो 5 और 1009 से भाग हो सकता है, विभाज्य है, तो divisible है तो क्या हो जाएगा ये composite हो जाएगा, तो क्या लिखोगे so जो number दिया है वो is composite, जो ऐसा आपने किया वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा composite हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो 1 पॉइंट
टू एक्सरसाइज भी फाइनली आज हमने कर लिया है ना। इसके बाद और भी हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3, 1.4, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा, उसमें हम इरेशनल के बारे में पढ़ेंगे और इरेशनल प्रूफ करना सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 4 मार्क्स में आ रहा होता है, 4 मार्क्स में आता है या फिर 2 मार्क्स में भी आता है, 2 वैरायटी के क्वेश्चंस है उसमें, तो वो जो हमारा है इरेशनल और अपरिमेय संख्या के ऊपर अगला एक्सरसाइज है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, आपको प्रैक्टिस करना है इनको, और एग्जांपल्स भी है वो भी आपको करना है, ठीक है, पढ़ते रहिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बच्चों तक पहुंचे और इस लॉकडाउन में भी वो अपना पढ़ाई ना रोके और पढ़ना शुरू करें और पढ़ते रहें, ठीक है। तो घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, आसपास सफाई रखें, है ना। जय हिंद, जय भारत।